नमस्कार दोस्तों, सभी को शुभ प्रभात। सभी सम्मानित दोस्तों के लिए मंगल कामनाएं। आज का हमारा वीडियो सृष्टि बचाने के ऊपर है। जिस बात पर मैं प्रकाश डालना चाह रहा हूं वह यह है कि पहले गांव में जंगल हुआ करते थे, वन हुआ करते थे। लोग अपने घरों के सामने पीपल, पाकड़, बरगद, नीम, आम, महुआ इस तरह के वृक्ष लगाया करते थे, नीम हुआ करता था। लेकिन वन माफियाओं की कुदृष्टि ऐसी लगी और सरकार के जो लचीले नियम कानून हैं तथा रिश्वतखोरी का जो प्रचलन बढ़ा है, सरकार चाहे जिसकी भी हो, सारे वृक्ष काट डाले गए। आज हम हैं एक खूबसूरत नीम के पास। इधर से निकल रहा था, इस नीम ने मन मोह लिया, अपील ऐसा किया कि रास्ता छोड़कर हमें यहाँ तक आना पड़ा। आप देख रहे हैं किस प्रकार काफ़ी नीचे तक इसकी डालियाँ हैं, टहनियाँ हैं, और इसको लोग नुकसान नहीं करते हैं। नुकसान कर दिए होते अब तक इसे भी काट करके ले गए होते, किंतु यहाँ कुछ बाबा लोग हैं, उनकी कृपा है और डर है। यहाँ यह जो आप मंदिर देख रहे हैं छोटा सा, यह देवी माई का मंदिर है, और इधर एक बाबा हैं, दैत्रा बाबा। ऐसे बाबा हर गांव में आपको मिल जाएंगे, कहीं नटवा वीर बाबा, कहीं दैत्रा बाबा, कहीं ऐसे तमाम नाम उनके रखे गए हैं। यह खूबसूरत नीम जिस प्रकार पर्यावरण का पोषण कर रही है, इस नीम में इस समय फल लगे हुए हैं। नीम की दातून तक कोई नहीं तोड़ता। नीम औषधीय गुणों से परिपूर्ण है। चलिए कुछ पत्ते मैं भी इसका प्रयोग करूँगा और प्रसाद के रूप में, क्यों बाबा, प्रसाद के रूप में लोग पत्ता यहाँ दिया जाता है तो पत्ता खाते हैं लोग। अगर पेट में क्रीम है वह भी समाप्त हो जाएगा, और तमाम तरह से गुणकारी है, एंटी सेप्टिक है। मैं दिखा रहा हूँ इस खूबसूरत नीम को, आप देख करके एक बार मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। सूर्य की रोशनी कल 42 डिग्री सेल्सियस तापमान था, आज भी सुबह से ही उमस है, अभी दिन के 7 नहीं बजे हैं। यहाँ पक्षियों की चहचहाट, देखिए उधर एक पक्षी आप देख रहे हैं पानी पीने जा रही है, प्यास लगी होगी, मैना है, उसे मैना बोलते हैं। यहाँ गौरैया का प्रवास है, यहाँ तोते भी आते हैं, देखिए अभी इधर भी आपको आवाज़ सुनाई दे रही है। चलिए आपको दिखाते हैं नीम के अलावा और भी यहाँ वृक्ष कुछ बाबा लोगों ने लगाया है, यद्यपि इन बाबा ने नहीं लगाया है, लेकिन यह उसकी रखवाली करते हैं, सही बात है ना? हाँ, बाबा परिवार है कि नहीं आपका? हाँ, है। हाँ। चलिए आप अच्छे हैं, आप जो सही बात बता रहे हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है ना, नारी मुई घर संपत्ति नासी, पत्नी मर गई और घर की संपत्ति खत्म हो गई, मूड मुड़ाए भय सन्यासी, फिर जटा जूट रख करके और सन्यासी हो जाते हैं। चलिए आप अच्छे हैं, घर बारी ही ठीक है, गृहस्थ आश्रम बहुत अच्छा है। बोलना क्या सबसे बेकार। आइए मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इनके इस झुरमुट के बीच से निकल रहा हूँ। यहाँ एक हरिशंकरी है, पीपल, पाकड़, बरगद तीनों है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ मंडी परिषद ने यहाँ मंडी स्थापित कराया है, इसे भी आप देख रहे हैं। यहाँ हैंडपम्प है, देखिए एक पीपल है, ऑक्सीजन प्रदाता पीपल। एक पीपल ही नहीं है, देखिए एक पीपल, दो पीपल, तीसरा है, और यहाँ ताड़ के भी वृक्ष हैं जहाँ ताड़ी उतारते होंगे लोग। कुल मिला करके जिस नीम पर मैं फोकस कर रहा हूँ, आइए देखिए, आपका मन भी ललचेगा। काश अगर ऐसे झुरमुट में ऐसे पर्यावरण के संरक्षण और पोषण में हमें भी रहने का अवसर मिलता। करना क्या है, बहुत आराम से एक चटाई हो और चटाई बिछा करके, अगर कुछ नहीं हो तो भी ऐसे लेट करके, और यह जो सुख की प्राप्ति हम कर रहे हैं, या तो एसी में रह करके और अच्छा सा कूलर हो तो भी यह सुख नहीं मिल सकता। सुखद अनुभूति हो रही है, एक बार दिखाइए, अगल बगल देखिए कहीं कुछ नहीं, कितना नीचे तक इसका है। उधर देखिए ताड़ी भी पी रहे हैं लोग, बहुत दूर है थोड़ा, बाबा हटिएगा, तरकुलारिस्ट, यहाँ इसकी बाग है ताड़ की, और देखिए सुबह सुबह लोग लग गए हैं और एक दो गिलास। बाबा क्या रेट है इस समय ताड़ी का? 30 रुपया, 30 रुपया लीटर। दूध का भाव? अच्छा, दूध का भाव, बाबा बता रहे हैं कि दूध का भाव है, और
कितना एक आदमी कितना पी लेता है? बाबू आपकी इच्छा के ऊपर है। अच्छा, आप तो पहले के पिए ले हो अपने तनी मनी। हाँ जरूर। हाँ, साधु आदमी ही, झूठ ना बोले बाप। झूठ नहीं बोलेंगे। तो कितना एक आध लीटर आप पी गलत रही? आधा लीटर बस, ज्यादा पीने पर नशा होता है। अच्छा, ज्यादा पीने पर नशा होता है। अब तो आपको राम का नशा हो गया है, राम नाम का संत हो गए हैं। संत समागम हरि कथा और संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय मक्खन के समान होता है। चलिए, मैं आपसे अपील करना चाहूँगा, एक बिरवा आप अवश्य लगाएं। आज अब वृक्ष लगाए जा सकते हैं, बरसात होने वाली है, जिसको जहाँ भी जगह मिले ऐसे वृक्ष लगा करके पर्यावरण को हम सभी को संरक्षित करना है। नहीं तो आने वाला समय बहुत संकट का होगा, 10-5 साल का जीवन और बचा है। धन्यवाद। आज पर्यावरण पोषित पक्ष पर हमने आप सभी को जो दिखाया है और अपील किया है, आशा है आप हमारी अपील का संज्ञान धारण कर इसे ठुकराएंगे नहीं, और आपका स्नेह स्रोत पर्यावरण के लिए सूखेगा नहीं। धन्यवाद।